साथियों, आज केंद्र से भेजी पाइप पाइप भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5000 करोड़ और कहां 22000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, आज मुझे खुशी है रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही। जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए, घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं।